हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र Today we will discuss newspaper analysis dated 19th September 2022 and if you are finding this analysis helpful then please like share and subscribe i have also started my upsc mentorship program in which i am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail if you are interested and want to join this program for that you need to visit the telegram group and the link of the telegram group is in the description question here the first news is quotas government to set up panel to study status of sc converts to christianity and islam the constitution scheduled caste order 1950 under article 341 stipulate karta hai कि अगर कोई person यहाँ पर हिंदुज़म सिखिज़म और बुद्धिज़म के अलावा किसी और religion को profess करता है तो उसको यहाँ पर SC का member नहीं कंसीडर किया जाएगा अंडर आर्टिकल थ्री फोर्टी वन इस दैट नो पर्सन प्रोफेसिंग अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुज़्म सिखिज्म और बुद्धिज़्म कैन बी डीम टू बी अ मेम्बर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट जिसकी वजह से यहाँ पर जो दलित कन्वर्ट हो जाते थे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में उनको यहाँ पर एसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता है द औरिजनल ऑर्डर अंडर विच ओनली हिंदूज वर क्लासीफाइड एज एस उसके बाद एमेंड किया गया 1956 में इसमें सिक्स को इंक्लूड किया गया 1990 में इसमें बुद्धिस्ट को इंक्लूड किया गया द मूव टू सेटअप सच अ कमीशन अज्यूम सिग्निफिकेंस इन द वेक ऑफ सेवरल पटिशन पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जो कि ये बात करते हैं कि ऐसी रिजर्वेशन बेनिफिट्स उन दलित्स को भी मिलना चाहिए जो कि क्रिश्चैनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसके लिए सेंटर एक कमीशन बनाएगा और यहाँ पर स्टेटस को देखा जाएगा इन अ मूव विथ फार रीचिंग इम्लीकेशन द सेंटर इज ऑल सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल कमीशन टू स्टडी द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मेम्बर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और दलित्स जो कि यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं टू रिलीजन्स अदर देन हिंदुजम बुद्धिज़्म एंड सिखिज़म तो इससे पहले भी कमीशन्स बनाई जा चुकी हैं फॉर एग्जाम्पल रंगनाथ मिश्रा कमीशन जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि यहाँ पर जो एस सी रिजर्वेशन है इसको पूरी तरीके से डीलिंग कर देना चाहिए रिलीजन के साथ तो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं ये सभी है। इन अक्टूबर 2004, द देन यूपीए गवर्नमेंट हेडेड बाय डॉ मनमोहन सिंह कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो वो रिकमेंडेशन ये थी दैट एस सी स्टेटस बी कम्प्लीटली डीलिंक्ड फ्रॉम रिलीजन और यहाँ पर जो एस सी स्टेटस है इसको पूरी तरीके से रिलीजन न्यूट्रल बना देना चाहिए जैसे कि यहाँ पर एस टी स्टेटस अकॉर्ड किया जाता है सेपरेटली अ स्टडी कमीशन बाई द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इन टू थाउजेंड सेवन कंक्लूडेड डेट दलित क्रिश्चन और दलित मुस्लिम्स को भी यहाँ पर एस सी स्टेटस एकॉर्ड करना चाहिए द इशू इज लिमिटेड टू दलित्स सिंस देयर इज़ नो रिलीजन स्पेसिफ़िक मैंडेट फॉर एस टीज़ एंड द ओ बी सीज़ तो यहाँ पर जो एस सी स्टेटस अकॉर्ड किया जा रहा है वो रिलीजन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है लेकिन ऐसा यहाँ पर एस टीज़ और ओ बी सीज के साथ नहीं है द राइट्स ऑफ ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड ट्राइब आर इनडिपेंडेंट ऑफ हिज और हर रिलीजस फेथ तो ऐसा डी ओ पी टी वेबसाइट स्टेट करती है तो यहाँ पर जो दलित कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में उनका स्टेटस देखा जाएगा कि उनका यहाँ पर सोशल स्टेटस क्या है इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस क्या है उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा उनको यहाँ पर एस सी स्टेटस अकॉर्ड करना है या नहीं करना है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट देना है या नहीं देना है नेक्स्ट है टू कर्ब यूज़ ऑफ़ केमिकल फ़र्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्कीम एक लॉन्च करने की सोच रही है जिसका नाम है पीएम प्रणाम अब यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को रिड्यूस करने की बात की जाएगी अब केमिकल फर्टिलाइजर्स को क्यों रिड्यूस करना है तो एक रीज़न ये हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो फर्टिलाइज़र का सब्सिडी बर्डन है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है

पहुंच चुका है 2.25 लाख करोड़ इन 2022-23 जो कि 39 परसेंट हायर है देन लास्ट ईयर्स फिगर ऑफ रुपीज वन लाख करोड़ इट अज्यूम्स सिग्निफिकेंस इन व्यू ऑफ द शार्प इंक्रीज इन द ओवरऑल फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इन द कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट फाइव ईयर्स अब इस स्कीम के लिए कोई सेपरेट बजट नहीं होगा एंड इट विल बी फाइनेंस्ड थ्रू द सेविंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी अकॉर्डिंग टू सोर्सेज फिफ्टी परसेंट ऑफ सब्सिडी सेविंग्स विल बी पास्ड ऑन एज अ ग्रांट टू द स्टेट दैट सेव्स द मनी तो यहाँ पर पचास परसेंट ग्रांट के फॉर्म में दिया जाएगा जितना भी यहाँ पर सेव किया जाएगा बाय द स्टेट सोर्स ऑल्सो सेट दैट सेवेंटी परसेंट ऑफ द ग्रांड प्रोवाइडेड अंड द स्कीम उसको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल अडोप्शन ऑफ ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट्स तो ये आपको बस पीएम प्रणाम का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज है सेंटर स्टेट्स टसल ओवर अ सेंट्रलाइज्ड मार्केट फॉर इलेक्ट्रिसिटी तो अभी इलेक्ट्रिसिटी का मार्केट पूरा डिसेंट्रलाइज है सेंटर इसको सेंट्रलाइज करने के बारे में सोच रहा है अ फ्रेश स्लगफेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इज ब्रूइंग इन द कंट्रीज पावर सेक्टर और यहाँ पर प्लान क्या है द मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म को बनाया जाएगा द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्रपोजल एनविस सेंट्रलाइज शेड्यूलिंग फॉर डिस्पैचिंग द एंटायर एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्प्शन दिस फिल्म माँ का क्लियर शिफ्ट फ्राम डी सेंट्रलाइज मॉडल फॉलो नाउ तो यहाँ पर डी सेंट्रलाइज मॉडल से सेंट्रलाइज मॉडल बनाया जाएगा उसके लिए मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ने एनविसाज किया है द न्यू मॉडल प्रोपोज अ सेंट्रलाइज शेड्यूलिंग ऑफ पावर डिस्पैच बोथ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट अब यहाँ पर स्टेट्स को ऑफ कोर्स इस बात से प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि क्यों, अभी सब कुछ स्टेट्स मैनेज करते हैं लेकिन ये सारी पावर यहाँ पर सेंटर के पास चली जाएगी पावर एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है पावर इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बिंग डिवाइडेड इंटू स्टेट वाइज ऑटोनॉमस कंट्रोल एरियाज जो कि मैनेज किया जाता है बाई द स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स और इसको सुपरवाइज किया जाता है बाई रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स एंड द नेशनल लोड डिस्पेच सेंटर द एम बी ई डी मॉडल प्रोपोजेस टू चेंज दिस बाई पुटिंग इन प्लेस द सेंट्रल मार्केट ऑपरेटर अब यहां पर कंसर्न क्या है अब कंसर्न ये है कि जैसे रेनेवेबल एनर्जी को इस ग्रेड में कैसे कनेक्ट किया जाएगा दे आर कंसर्न दैट द न्यू मॉडल कुड पोटेंशियली क्लैश विद मार्केट तो हो सकता है कि वो यहाँ पर कनेक्ट ना होना चाहें तो ये यह कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक पॉइंट यहाँ पर भी आप आगे चलते हैं तो फर्स्ट पेज पर यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि हमने डिस्कस कर ली पहला हमने जो डिस्कस किया था उसमें ये था। कि हिंदुज़म सिखिज़म और बुद्धिज़म अगर इन तीनों रिलीजन को प्रोफेस किया जाता है तभी एस सी स्टेटस रिकॉर्ड हो सकता है और एस सी रिजर्वेशन मिल सकता है लेकिन कोई दलित अगर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चानिटी और इस्लाम में उसके बाद उसको यहाँ पर एस सी स्टेटस नहीं मिल सकता है और उसको यहाँ पर एस सी स्टेटस के बाद एस सी का रिज़र्वेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता है तो उसके लिए ही एक कमीशन बनाई जाएगी और ये देखा जाएगा कि इनका स्टेटस क्या है जो एस सी यहाँ पर कन्वर्ट्स हो जाते हैं टू क्रिश्चैनिटी एंड इस्लाम इससे पहले भी कमीशन बनाई गई हैं जिनका यह कहना है कि जो एस सी स्टेटस है इसको पूरी तरीके से डीलिंग कर देना चाहिए फ्रॉम द रिलीजन नेक्स्ट यहाँ पर सेंटर ये सोच रही है कि एक सेंट्रलाइज मार्केट बनाया जाए फॉर इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से यहां पर स्टेट्स को प्रॉब्लम होने वाली है एक हमने स्कीम डिस्कस की पीएम प्रणाम इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यहां पर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज को रिड्यूस करना है अब हम आगे चलते हैं आउट ऑफ ट्यून तो यहां पर ये बताया गया है कि इन्फ्लेशन सिर्फ मॉनिट्री पॉलिसी से नहीं कंट्रोल हो जाता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर प्ले में होंगे तभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट अब सरकार का फिस्कल डेफिसिट ही इतने ज्यादा है तो मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा है तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन तो आएगा विद इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाई द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन ऑगस्ट गोइंग बैक टू सेवन और होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पर ट्वेल्व था आर को यहाँ पर इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है टू से सिक्स परसेंट के बीच में लेकिन इन्फ्लेशन यहाँ पर अगस्त के महीने में सेवन परसेंट था तो आर को यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना है क्योंकि आर अपने टारगेट को अचीव करने में फेल हो गया है और इन्फ्लेशन यहाँ पर टू से सिक्स परसेंट से ज़्यादा था हाउ एवर दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स पहले कोविड नाइन्टीन ने वर्ल्ड को हिट किया फिर यहाँ पर रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट उसके बाद हीट वेव जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम हो गई इन कम्पेरिजन विद से यू एस तो यू एस और यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा अगर हम इंडिया से कंपेयर करें ए टू ट्वेल्व परसेंट एंड जी डी पी ग्रोथ लाइकली टू बी मच लोअर इंडिया हैज़ डन फेयरली वेल चर्की में इन्फ्लेशन एटी परसेंट था हमारे नेबर्स में फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ट्वेंटी सेवन परसेंट है श्रीलंका में सिक्सटी फोर परसेंट है तो अगर इन कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो इंडिया ने यहाँ पर अच्छा ही परफॉर्म किया है ऑल दो द आर बी आई एंड द एन पी सी हैव बीन इंटरेस्टेड कि इन्फ्लेशन को यहाँ पर फोर प्लस माइनस टू परसेंट के बैंड में रखना है लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक परसपेक्टिव देखें तो ये सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है इसके साथ साथ यहाँ पर जी डी पी को भी देखना है कि ग्रोथ कैसी हो रही है तो इन्फ्लेशन लाइकली इम्पैक्ट ऑन जी डी पी ग्रोथ मस्ट ऑल्सो भी कंसिडर्ड तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला, निर्मला सीतारमन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे पॉलिसी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है पॉलिसी यहाँ पर अकेले इन्फ्लेशन को टैकल नहीं कर सकती है इन इंडिया फूड एंड बेवरेज है फोर्टी फाइव पॉइंट एट सिक्स परसेंट वेट इन द सी पी आई बास्केट देयरफॉर फॉर मॉन्ट्री पॉलिसी को यहाँ पर टेंडम में काम करना पड़ेगा विद फिजिकल ट्रेड एंड टेरिफ पॉलिसी शी ऑल्सो सेट डेट द डील विद रशिया तो हमने यहाँ पर जो डिस्काउंटेड प्राइजेज में रशिया से ऑयले क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को मैनेज करना था शंकर अचार्य द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर थ्री गवर्नमेंट्स राइटली पॉइंटेड आउट जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने की जरूरत है फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर टेन परसेंट ऑफ जीडीपी को क्रॉस कर चुका था फॉर थ्री ईयर्स इन आरो दिस इज टू हाई एंड इज कॉजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर जो बोरो करती है वो ऑफकोर्स मार्केट में जाता है और अगर मार्केट में जाएगा तो इन्फ्लेशन आएगा

इंडिया वॉज नॉट मिसलेड तो बेसिकली जब यहाँ पर कोविड नाइन्टीन आया था तो बहुत सारे कंट्रीज़ यहाँ पर बहुत सारा पैसा दे रहे थे लोगों को डिमांड को इस पर करने के लिए लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया इंडिया ने भी यहाँ पर स्टिमुलस दिया लेकिन हमने उस स्टिमुलस को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जिसका हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इंडिया वॉज नॉट मिसलेट इन टू गिविंग एन एक्सेसिव स्टिमुलस टू बूस्ट कंजम्पन डिमांड एंड इंस्टिट चोज टू स्पेंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जी में और जिसकी वजह से डिमांड भी क्रिएट होती है अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो हमें अपनी पॉलिसी को रीओरियंट करने की ज़रूरत है फॉर एग्जांपल फ्री बीच से हमें शिफ्ट होने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कॉम्पटेटिवनेस को इंक्रीज करें नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्री आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एलोकेशन हमें इंक्रीज करने की जरूरत है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बनाने की जरूरत है स्टेबल एंड हायर फार्म प्रोडक्टिविटी इवन इन द फेस ऑफ द क्लाइमेट वेगरीज विल बी क्रिटिकल टू टेम फूड इन्फ्लेशन एंड दिस वूड ऑल्सो रिक्वायर टेकिंग अ कॉल ऑन रैशनलाइजिंग द बर्डी ऑनिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी जो कि यहाँ पर फाइव ट्रिलियन को क्रॉस कर सकती है इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अ बिग कैट मिस्टेक तो यहाँ पर ऑथर ने यही कहा है कि चीता प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है और उसके बहुत सारे रीजनस हैं कि क्यों फेल हो सकता है तो पहले हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द चीता मोमेंट चीताज़ आर बैक इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन सेवेंटी ईयर्स लेकिन ये वो वैरायटी नहीं है जो वैरायटी हमारे पास पहले थी हमारे पास पहले एशियाटिक चीता था लेकिन अभी जो आया है ये अफ्रीकन वैरायटी है ये चीता की एशियाटिक चीता अभी सिर्फ ईरान में है और ईरान में भी काफ़ी कम है सौ से कम है

सेवन फिफ्टी स्क्वायर किलोमीटर नेशनल पार्क को लिमिट द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स जिनको लार्जर रेंज की ज़रूरत होती है तो चीता को यहाँ पर ज़्यादा रेंज की ज़रूरत होती है लेकिन कूनो जो नेशनल पार्क है उसकी रेंज सिर्फ यहाँ पर सेवन फिफ्टी स्क्वायर किलोमीटर है एक दूसरा स्पिन ऑफ क्या हो सकता है कि इसकी वजह से ह्यूमन एनिमल इंक्रीज़ हो सकता है ओरिजिनली ईयर मार्क्ड थी यहां पर लॉइंस को रीलोकेट किया जाएगा फ्रॉम द गेर फॉरेस्ट तो लाइन को री रीलोकेट करने की बात की गई थी लेकिन उसके बाद लाइन का रीलोकेशन हो नहीं पाया बट इवन एज द गुजरात

अनसाइंटिफिक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर नेक्स्ट अ बिग कैट मिस्टेक तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बताया गया है इवन इन द बेस्ट ऑफ हैबिटेट चीताज़ एग्जिस्ट इन वेरी लो डेंसिटी फॉर एग्जांपल वन पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर तो सेवन फिफ्टी स्क्वायर किलोमीटर में मैक्सिमम हम यहाँ पर दस चीता रख सकते हैं उससे ज़्यादा हमें चीता रखने की जरूरत नहीं है लेकिन अभी आठ नमीबिया से आए हैं फिर बारह यहाँ पर साउथ अफ्रीका से आएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे बीस चीता ज च चीताज़ आर एक्सपेक्टेड टू स्टैब्लिश देम सेल्स एज अ पॉपुलेशन इन कूनो आफ्टर अबाउट फिफ्टीन ईयर्स दिस इज द प्रेडिक्टेड बेस्ट केस सिनारियो बेस्ड ऑन द रिलीज ऑफ एटलीस्ट फिफ्टी चीताज इन द नेक्स्ट 5 to टेन years from अफ्रीका दिस is अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन as द एरिया is लिमिटेड टू Kuno नेशनल पार्क और यहाँ पर एरिया सिर्फ सेवन फोर्टी एट स्क्वायर किलोमीटर का ही है वन ऑफ द बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू री इस्टेब्लिश द इको सिस्टम फंक्शन रूल ऑफ द चीता इन रेप्रजेंटेटिव एरियाज ऑफ इट्स फॉर्मर रेंज और इसकी वजह से यहाँ पर जो लैंडस्केप है वो रिवाइव होगा तो ऐसा यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए थे लेकिन ऑर्थरा ने इन सारे पॉइंट्स को कॉन्ट्रोडिक्ट किया है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चीता टॉप प्रेडेटर होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर रिवाइवल होगा लैंडस्केप लैंडस्केप का ऑन द कंट्री द प्रोजेक्ट विल बी अ मेजर डिस्ट्रैक्शन और यहाँ पर जिन स्पीशीज को हमें कंजर्व करना चाहिए उसके ऊपर से फोकस यहाँ पर हटकर चीता के ऊपर चला जाएगा तो ऑन द कंट्री द प्रोजेक्ट विल बी अ मेजर डिस्ट्रैक्शन एंड डाइवर्ट मच नीडेड अटेंशन एंड रिसोर्सेज फ्रॉम प्रायोरिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स जो कि पार्ट है इंडियाज़ नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अब हम आगे चलते हैं ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है री इमेजिनिंग बेंगलुरु अब हम आगे चलते हैं ई यू प्रपोजेस टू पनिश हंग्री अब हंगी को क्यों पनिश किया जा रहा है क्योंकि हंग्री में बहुत ज्यादा करप्शन है जिसकी वजह से ई यू ने यह कहा कि जो फंडस हम हंग्री को देते थे वो हम हंग्री को फंड नहीं देंगे द यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव रिकमेंडेड ऑन संडे सस्पेंडिंग सम सेवन पॉइंट फाइव बिलियन यूरोज इन फंडिंग फॉर हंगरी ओवर करप्शन हंग्री हैड शोन इर रेगुलरिटीज इन नियरली फोर परसेंट ऑफ ई यू फंडस जो कि स्पेंड किए गए थे दो हजार पंद्रह से उन्नीस के बीच में पी एम ऑर्बन हैज ऑल्सो रब्ड मेनी इन द ब्लॉक द रॉन्ग वे क्योंकि यहां पर पीएम ऑर्बन के ज्यादा क्लोज टाइप पुतिन के साथ और जिसकी वजह से यहां पर जो ईयू ने सेंशन लगाए हैं रशिया के ऊपर तो ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को कि पर कोर्बिन के क्यों क्लोज टाइजर विद पुतिन अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर नागोनो कारोबाग कंफ्लिक्ट की बात की गई है ये किस किस के बीच में है तो ये दो कंट्रीज के बीच में है आर्मेनिया एंड अजरबैजान तो ये आपको पता होना चाहिए क्यों ये रीजन न्यूज में था अब हम आगे चलते हैं यहां पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है द बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक पाइलिंग अब ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है वही पॉइंट्स हैं जो कि हम पहले से जानते हैं लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं 2013 में बिटवीन मे फर्स्ट एंड ऑगस्ट 28, जो रुपी डप्रिशिएट हुआ था वो 22% टू परसेंट डप्रीशिएट हुआ था और जो कंट्री के फ़ॉरेक्स रिजर्व फैल हुए थे वो टू नाइन्टी बिलियन डॉलर से लेकर टू बिलियन डॉलर तो इतने ही बस फैल हुए थे और यहाँ पर रुपी हुआ था ट्वेंटी फिर यहाँ पर हम आते हैं कट टू द लास्ट वन ईयर सिंस अक्टूबर ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी वन रुपी डेप्रीशियेट हुआ है बाई सिक्स परसेंट और आर बी आई ने रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है ओनली अप टू वन फोर्टी बेसिस पॉइंट्स हाउ एवर हमारा फॉरेक्स रिज़र्व डेप्लेशन ज़्यादा हुआ है तो अब ये चेंज क्यों है कि उस समय बाईस परसेंट रुपी डेप्रिशिएट हुआ लेकिन हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो कम गिरे लेकिन इस बार फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा गिर गए अब इसके क्या रीजन हैं वॉट हैपन देन द ट्वेंटी थर्टीन क्राइसिस वॉज लार्जली ट्रिगर्ड क्योंकि यू एस में हमें टेपर टेंटरम देखने को मिल रहा था यू एस ने यहाँ पर फेज रिडक्शन किया था और यू एस ने कहा था कि अब हम बॉन्ड्स को उतना परचेज नहीं करेंगे जितना हम पहले ही करते थे एंड अदर एस इट्स अमाउंटिंग टू एटी फाइव बिलियन डॉलर अ मंथ येट दैट अनाउंसमेंट विच वॉज ओनली अबाउट अ ग्रेजुअल अनवाइंडिंग ऑफ मॉन्ट्री स्टूमलस एज अपोर्स टू टाइटिंग हैड अज इम्पैक्ट ऑन इंडिया जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो इंक्रीज होने लग गया था द रिजल्ट आर ऑन द रुपी और जिसकी वजह से हमारा रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गया था वॉट इज हैपनिंग नाउ अब 2013 में ये हुआ था अभी क्या हो रहा है तो बेसिकली अभी ये हो रहा है कि यहाँ पर जो यूएस है वो यहाँ पर लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है इन 2013, थर्टीन द बिग सेंट्रल बैंक वर ओनली फेजिंग आउट मॉन्ट्री स्टमलेस लेकिन अभी यहाँ पर टाइटनिंग की जा रही है मॉन्ट्री पॉलिसी की जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया पर भी देखने को मिल रहा है एग्जाम्पल हमारा रूपी यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा है दट इज ऑब्वियस इंप्लीकेशन फॉर कैपिटल इन फ्रोज इन टू इंडिया राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन दू एस एंड यूरोप आर इफ एनी थिंग सकिंग अवे कैपिटल फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स क्योंकि जो डिफ्रेस है तेरी यू एस और इंडिया के इंटरेस्ट रेट का वो डिफरेंस यहाँ पर कम होता 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 जा रहा है दिस इज इंट हेल्ड बाई इंडिया स्कैड विच इज प्रोजेक्टेड टू टॉप वन ट्वेंटी बिलियन डॉलर इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सरपाजिंग इवन द लेवल ऑफ टू थाउंट इलेवन ट्वेल्व एंड ट्वेल्व थर्टी इंडियाज़ वॉरचेस्ट अब हमें इन बात से ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉरेक्ट रिजर्व है बट डिस्पाइट द फार मोर हॉस्टाइल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द रुपी हैज इन बीन इन फ्री फॉल इसका रीजन ये है कि आर बी आई यहाँ पर इंटरवीन कर रहा है आर बी आई मार्केट्स में डॉलर को सेल कर रहा है रुपये की डेप्रिशिएशन को रोकने के लिए द प्राइमरी रीजन वाई थिंग्स हैव बीन डिफरेंट इज दैट इंडिया एंटर दिस क्राइसिस क्योंकि हमारे पास ज्यादा बिगर वॉर चेस्ट है क्योंकि हमारे पास ज्यादा फॉरक्स रिजर्व है अगर हम दो हज़ार तेरह से कंपेयर करें एकोमिलेटिंग लार्ज फॉरैक्स स्टॉक प्राइस इज अस्ट्रेटी जो कि बहुत सारे कंट्रीज एम्प्लॉय करते हैं इट इस ट्रू दट इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर ड्रा डाउन हुआ है लेकिन हम फॉरेक्स रिजर्वस रखते क्यों हैं ऐसी क्राइसिस से बाहर आने के लिए तो ऐसी क्राइसिस में अफकोर्स हम अपने फॉरेक्स रिजर्वस को यूज़ करेंगे अब इसका कंपैरिजन किया गया है फूड के साथ अब पैरल कैन बी ड्रॉन हेयर विथ फूड इन दिस केस टू द फूड कारपोरेशन ऑफ इंडियाज ग्रेन माउंटेन केम यूजफुल प्रिसाइजली ड्यूरिंग अ क्राइसिस जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने यहाँ पर डिलीवर किया और कोविड डिस्ट्रेस के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लॉन्च किया गया अब यहाँ पर जो ग्रेन्स को रखा जाता है उसकी कुछ कॉस्ट होती है फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर कॉस्ट भी मैंशन है फाइव पॉइंट सिक्स पर किलोग्राम फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू जो की कैरिंग कॉस्ट है जो कि एस्टिमेट की गई इट्स मोर कॉम्प्लीकेटेड इन फॉरेक्स रिजर्वस जब यहाँ पर आर बी आई परचेज करती है मार्केट से एक्सेस डॉलर जिसकी वजह से यहाँ पर आर बी आई का फॉरेक्स एकूमलेट होता है तो ऐसे में रुपी मार्केट में जाते हैं और रुपी मार्केट में जाते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है तो उन रुपी को भी सकआउट करना पड़ता है मार्केट से कि मार्केट में इन्फ्लेशन आए जिसको कि स्टेरलाइजेशन कहते हैं तो इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड इन फॉरेक्स रिजर्व वेयर द आर बी आईज परचेज ऑफ एक्सेस डॉलर लीड्स टू अ अस्पॉन्डिंग इशुएंस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी द नीड टू मॉप अप दिस रुपी लिक्विडिटी जिसको स्टेरलाइजेशन कहते हैं तो फ्यूल की वजह से हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो लगातार इनक्रीज हो रहा था ये यह यहाँ पर ऑचर ने बताया है नेक्स्ट कलर रिवॉल्यूशन वाई दे वरी चाइना तो चाइना ने यहाँ पर कलर रिवॉल्यूशन की बात की है एस सी ओ समिट में कलर रिवॉल्यूशन इससे पहले काफ़ी बार हो चुके हैं कौन कौन से कंट्रीज में हो चुके हैं वो हम डिस्कस करेंगे कलर रिवॉल्यूशन होता क्या है तो बेसिकली जिन कंट्रीज में यहाँ पर ऑथोरिटेरियन लीडर्स हैं तो वहाँ पर रिजीम चेंज की बात की गई थी उसको ही कलर रिवॉल्यूशन कहा गया है कलर रिवॉल्यूशन रेफर टू अ सीरीज ऑफ अपराइजिंग्स दैट फर्स्ट बिगिन इन फॉर्मर कम्युनिस्ट नेशनस इन ईस्टर्न यूरोप उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिले मिडिल ईस्ट इन एशिया मोस्ट हैव इन्वॉल्व लार्ज स्केल मोबिलाइज मोबिलाइजेशन ऑन द स्ट्रीट्स और यहाँ पर फ्री फ्री इलेक्शन की मांग की गई रिजीम चेंज की मांग की गई और ऑथोरिटेरन लीडर्स के रिमूवल की बात की गई तो ये हमें कलर रिवॉल्यूशन में देखने को मिला फ्री इलेक्शन रिजीम चेंज एंड कॉल्स फॉर रिमूवल ऑफ अपील टू रशिया इंडिया एंड अदर कि आपस में कॉपरेट करने की जरूरत है और फॉरन पावर्स को यहां पर रोकने की जरूरत है कि वो किसी भी कंट्री को डी ना करें कलर रिवोल्यूशन को इनसाइट करके फॉर एग्जाम्पल यहां पर फर्स्ट है ऑरेंज रिवोल्यूशन ये कौन से कंट्री में हुआ था यह यूक्रेन में हुआ था 2004 हजार के दौरान द मूवमेंट वॉज इन रिस्पॉस टू रिपोर्ट्स फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ऑब्जर्वर्स कि जो कंट्री के 2004 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें यहाँ पर कुछ फ्रॉड हुआ है जिसके लिए ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था यूक्रेन में नेक्स्ट तुले रेवॉल्यूशन यह हुआ था किर्गिस्तान में नेक्स्ट लोटस रिवॉल्यूशन यह हुआ था इजिप्ट में और यहां पर जैसमिन रिवॉल्यूशन जो कि ट्यूनिशिया में हुआ था द पॉपुलर अपराइजिंग दैट अकर्ड बिटवीन डिसंबर 2010 एंड जनवरी 2011 इन टूशिया वाज इन रिस्पांस टू द

क्यूरेटेड बाई एक्सपर्ट्स इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स उन मेडिसन्स को इंक्लूड किया जाता है जिसकी प्रायरिटी हेल्थ केयर में और मेजोरिटी ऑफ़ द लोगों को इसकी ज़रूरत है फ्रेम्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेश्स एसेंशियल मेडिसन्स इंडिया की फर्स्ट लिस्ट क्रिएट की गई थी नाइनटीन नाइन सिक्स में उसके बाद इसको चार बार मॉडिफाई किया गया दो हजार तीन दो हज़ार ग्यारह दो हज़ार पंद्रह एंड नाउ इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रविजन्स यहाँ पर इस बात को सोच कर किए जाते हैं कि जो प्रोफाइल है डिजीज़ की वो कैसे चेंज हो रही है कौन कौन सी यहाँ पर नई ड्रग्स अवेलेबल हैं The list creates a framework for procurement of medicines at the government healthcare facilities, the essential medicines. शुड आइडली बी अवेलेबल एट ऑल हेल्थ केयर सेंटर्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ किया होता है इस लिस्ट का कि मेडिसंस यहाँ पर अफोर्डेबल हो जाती हैं फोकस ऑन एफोर्डेबिलिटी द गवर्मेंट हैज़ द पावर टू कंट्रोल कि गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ मेडिसंस के प्राइजे को कंट्रोल कर सकती है जो कि गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसकी ज़रूरत है थ्रू द ड्रग प्राइज कंट्रोल ऑर्डर नशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसन्स फॉर्म्स द प्राइमरी बेसिस फॉर कंसिडरिंग अ ड्रग एज असेंशियल और इसके प्राइस को कंट्रोल करने की जरूरत है एडिशनली ड्रग्स जो कि यहाँ पर इंक्लूड हैं, इन द एन एल ई एम उसके अलावा भी यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइजेस को कंट्रोल कर सकती है थ्रू द ड्रग प्रस कंट्रोल वंस अ ड्रग इज इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसन इसके प्राइजेस को कंट्रोल किया जाता है बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनीज अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइजेस को चेंज नहीं कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस लिस्ट द नप्पा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी विल डिसाइड द सीलिंग प्राइजेस एंड द प्राइजेज ऑफ मेडिसिन इंक्रीज़ नहीं कर सकती है कंपनी अपने अकॉर्डिंग बट एवरी ईयर प्राइजेस को यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है डब्ल्यू पी आई को देखकर मीनिंग द प्राइजेज ऑफ दीज मेडिसिन यहाँ पर अनरीजनेबली इंक्रीज नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन को ऐड किया गया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल चार कैंसर मेडिसन्स को ऐड किया गया है कुछ पेटेंट ड्रग्स को भी इसमें ऐड किया गया है अ क्वेश्चन इज रेज क्या पेटेंटेड ड्रग्स को इसमें इंक्लूड किया जा सकता था सो द कमिटी एज वेल एज द स्टेक होल्डर एंड द मिनिस्ट्री टुक द डिसीजन कि पेटेंटेड ड्रग्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है अगर वो यहाँ पर क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं नीड के सेफ्टी के एफिकेसी एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो यूएस है वहाँ पर लोग अपने रिलीजन जो कि क्रिश्चैनिटी है तो क्रिश्चैनिटी को छोड़कर यहाँ पर एथीस्ट बन रहे हैं सिंस द नाइनटीन नाइनटीज लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन हैव लेफ्ट क्रिश्चैनिटी टू जॉइन द ग्रोइंग रैंक्स ऑफ यू एस जो कि खुद की रिलीजियस आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं एज एथीस एग्नोस्टिक और नथिंग इन पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल उनका रिलीजन यहाँ पर नन है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाई द प्यू रिसर्च सेंटर इन ट्वेंटी ट्वेंटी अबाउट सिक्सटी फोरसेंट ऑफ अमेरिकन इन्क्लूडेड चिल्ड्रन व क्रिश्चन पीपल हु आर रिलीजियसली अनएफिलेटेड समटाइम्स कॉल्ड रिलीजियस नंस अकाउंटेड फॉर थर्टी परसेंट ऑफ द यू एस पॉपुलेशन और ऐसा ही चलता रहा तो दो हजार सत्तर में क्रिश्चन्स कुड फॉल टू लेस देन फिफ्टी परसेंट नन्स कुड भी मोर देन फिफ्टी परसेंट तो नन्स बेसिकली जो यहाँ पर एथीस्ट है या एग्नोस्टिक हैं अब हम आगे चलते हैं ऑर्गेनिक डिमांड इन इंडिया फॉर सेमी कंडक्टर्स इसीलिए सेमी कंडक्टर फैसिलिटी इंडिया में बनाने की जरूरत है क्योंकि इंडिया में सेमी कंडक्टर की डिमांड है इम्फोसाइजिंग ऑन द नीड फॉर इंडिया टू बिल्ड सेमी कंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कपेसिटी टू केटर टू इट्स ऑर्गेनिक डिमांड द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सीम्स टू बी अमंग द वर्स्ट हिट क्योंकि सेमी कंडक्टर शॉर्टेज है तो सप्लाई चेन इशू यहां पर दो साल से चल रहा है तो पैंडेमिक था जिसकी वजह से यहाँ पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को लगा कि यहाँ पर डिमांड नीचे जाने वाली है जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर एडवांस में ऑर्डर नहीं किए लेकिन डिमांड यहाँ पर अचानक से इंक्रीज हो गई इफ़ वी रीक एप द रीजन ऑफ वाई हट हैपन देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज की सेमी कंडक्टर को मैनुफैक्चर करती है ताइवान होस्ट सम ऑफ दीज कंपनीज एंड देर इज एन अन ईवन डिपेंडेंस ऑन ताइवान फॉर सेमी कंड ऐसे में क्या करने की जरूरत है इंडिया में यहां पर सेमी कंडक्टर फैसलिटी को बनाने की जरूरत है माई व्यू इज दैट अब यहाँ पर सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया है माई व्यू इज दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे इफ सेमी कंडक्टर मैनुफेक्चरिंग वॉज ईजी तो जिन कंट्रीज ने यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है वो सेमी कंडक्टर फैसलिटी भी बनाना स्टार्ट कर देते बट इवन इस इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस बिकॉज फर्स्टली हमारे पास ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट है सेमी कंडक्टर्स की वी आर कंज्यूमिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ सेमी कंडक्टर प्रोडक्ट और उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल विल भी है सरकार यहाँ पर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम लेकर आई है तो बेसिकली यहां पर इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं कि सेमी कंडक्टर मैनुफेक्चरिंग इंडिया में हो डब्ल्यू टी ओ डिस्प्यूट सेटलमेंट रिफॉर्म्स अब डब्ल्यू टी ओ में डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होता है देयर आर टू मेन वेज टू सेटल अ डिस्प्यूट वंस अ कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड इन द डब्ल्यू टी ओ तो पहले तो दोनों कंट्रीज म्यूचुअली एग्रीड निकाल लें अगर म्यूचुअली एग्रीड सल्यूशन नहीं निकाल पाए तो एडजुडिकेशन होगा एंड थ्रू एडजुडिकेशन विच इंक्लूड्स रूलिंग अगर पैनल यहाँ पर रूलिंग देता है लेकिन पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो पार्टीज उस रूलिंग को चैलेंज कर सकती हैं एट द अपीलेट बॉडी अपीलेट बॉडी यहाँ पर एपिक्स इंस्टीट्यूशन है टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड अ नाइस डे